गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम द बैक द वेलकम टू साइकिलिस्ट संजू की एक और नई वीडियो में। इसी के साथ साथ आज जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम बात करने वाले हैं अपनी फैट बाइक के बारे में, अपनी रूबी के बारे में। आजकल इसको सब रूबी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या क्या मैंने चेंज किया है कि मैं अच्छी ट्रैवलिंग कर पाऊँ, या क्या क्या मैंने इसमें अपग्रेडेशन की है, आज मैं उन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम द बैक द वेलकम टू साइकिलिस्ट संजू की एक और नई वीडियो में। इसी के साथ साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, पूछ लेता हूँ कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होने वाले हो। तो यार, आज हम बात करने वाले हैं हमारी फैट बाइक के बारे में, हमारी रूबी के बारे में, जिसको सब जानते ही हैं कि यार उसको इतना ट्रैवल करवा दिया है कि उसको जानना ही पड़ा। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या अपग्रेडेशन की हैं या क्या क्या मॉडिफिकेशन की हैं जिसकी वजह से मैं इतना ट्रैवल कर पा रहा हूँ इस बाइक के साथ। तो आज सब मैं बताने वाला हूँ उस बाइक के बारे में। चलो बताता हूँ क्या क्या उसमें लगा हुआ है और कैसे कैसे शुरुआत हुई मेरी। मैं आज सारी जर्नी बताता हूँ अपनी कि मैं फैट बाइक क्यों चूज़ करके बैठा हूँ, या मैंने फैट बाइक के अलावा कोई और ऑप्शन क्यों नहीं देखे। मतलब मैंने ट्रैवल किया, फैट बाइक पर भी किया, दूसरी बाइक पर भी किया, बट ज़्यादा फोकस मैंने फैट बाइक पर क्यों रखा वो भी आज बात करते हैं। पूछते हैं कि ये क्यों साइकिल। तो इसी के साथ यार देखो, मेरे से ना ये क्वेश्चन एक बंदे ने और किया था। वो कौन था उसको मैं भी नहीं जानता। मैं तब लेह लद्दाख ट्रैवल कर रहा था लास्ट टाइम। अगर आप इस चैनल से पहले भी जुड़े हुए हो तो आपने देखा होगा, तब मैं जुलाई के टाइम पे ही लेह लद्दाख ट्रैवल कर रहा था। तो वहाँ पे एक क्लाइंब आती है तांगलंगला। तो उस क्लाइंब के पास मेरे को एक बंदे ने पूछा कि आप इस बाइक पे क्यों कर रहे हो। तो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ये आंसर करने वाला हूँ, बट मैंने उनको ये आंसर किया कि अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है ना, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हर कोई नहीं कर सकता। तो ये इसका एक पर्पस था इस बाइक को लेने का, कि मैं काफ़ी बंदों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। मतलब अगर मेरे से एक बंदा भी कोई मोटिवेट हो पाए तो मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा इस बाइक को लेना। और इसी के साथ साथ ये बाइक खुद कहती है कि अगर आप मुझे बाय कर रहे हो तो आप मेरे साथ एक्सपीडिशन करो, ये खुद कहती है बाइक। तो इसलिए बेसिकली इस बाइक को मैंने चूज़ किया था अपने ट्रैवलिंग के लिए। मेरा ऐसा कोई पर्पस था नहीं कि मेरे को ट्रैवलिंग ही करनी है। मैंने रैंडमली वेट लॉस के लिए बाइक कैरी की थी, और जब मैंने बाइक कैरी की थी वो बाइक ही मेरी हाइब्रिड बाइक थी, सिंगल स्पीड हाइब्रिड बाइक थी। उस पर मैंने अपनी सारी जर्नी स्टार्ट की थी। उसी के साथ साथ वो कब इसमें बदल गई मुझे भी पता नहीं चला, और कब ये बाइक कहाँ से मुझे कहाँ ले गई मुझे ये भी पता नहीं चला। इसी के साथ साथ और मैं आपको बताऊँ कि यार ये बाइक आई जो थी ना, वो आज बची नहीं है। इस बाइक में जो भी आया था स्टॉक बाइक जो थी, स्टॉक बाइक का इसमें एस भी नहीं बचा है, नहीं चलो एस बचा है, बाकी का पीछे से गायब है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ मैंने चेंज क्या क्या किया और क्या नहीं। इसके अलावा और क्या क्या चेंज है? देखो, अगर इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की बात की जाए तो स्टार्ट करते हैं सबसे आगे से, हैंडल बार से। ये 720 mm का इसका हैंडल बार है, ठीक है, जो मैंने अलग से इसमें लगाया है। ये मैंने बिटवीन का ख़रीदा था। जो स्टॉक बाइक के साथ आता है वो आता है 680 mm का, आई थिंक 680 आता है। तो वो काफ़ी फ्लैट बार था, बट ट्रैवलिंग के लिए ना मुझे थोड़ा सा वाइडर हैंडल बार चाहिए था, डेट्स वाई मैंने ये चूज़ किया बिटवीन का 720 हैंडल बार। ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हेल्प करता है यार आपके बाइक की हैंडलिंग में, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया था। फिर आ जाते हैं कि इसमें दूसरा अपग्रेडेशन है इसका स्टेम। ये भी मेरा डीकैथलॉन से लिया था मैंने, ठीक है। अगर मैं बताऊँ तो मेरा पहले वाले में पता नहीं क्या हुआ, मैं उसको कभी टाइट कर रहा था तो उसमें क्रैक आ गया, तो उसके बाद मुझे ये लगाना पड़ा। ये लगाना भी था बिकॉज जैसे मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मुझे कैमरा एंगल चाहिए। तो कैमरा एंगल अगर चाहिए तो मेरे को फ्लैट स्टेम चाहिए था, तो इसलिए मैंने ये ऑप्ट किया और इसके लिए मैं गया। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी ब्रेक्स के बारे में। तो इसमें जो स्टोक डिस्क ब्रेक आते हैं वो आते हैं मैकेनिकल ज़ूम के डिस्क ब्रेक आते हैं। बट जैसा आप देख सकते हो इसमें मैंने अब हाइड्रोलिक्स अपग्रेड करवा ली हैं। ये शिमानो के MT200 हाइड्रोलिक ब्रेक डिस्क ब्रेक हैं। मतलब पहले जो इसमें मैकेनिकल लगे हुए थे उसमें क्या था यार, थोड़ी सी ब्रेकिंग कम थी। लाइक लगता था कि हाँ यार इतनी बड़ी बाइक है, इतनी ह्यूज बाइक है, उसके साथ साथ थोड़ी ब्रेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो ब्रेकिंग इज़ मस्ट, ठीक है। उसी के बाद अब मैं आगे बात करूँ
तो आप देख लो इसमें जो पूरा ग्रुप सेट आया था वो आया था शिमानो 24 स्पीड ग्रुप सेट, जिसको हम बेसिक अगर मैं बताऊं शिमानो का इसमें टोर्नी आया था, शिमानो टोर्नी 3x8 जैसा इस पे लिखा हुआ है, ये 24 स्पीड था, ठीक है। बट जैसे जैसे मैंने साइकिलिंग शुरू की मेरे को समझ में आने लगी चीज़ें और मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी यार। लाइक जब मैं ट्रैवल करना शुरू किया तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो हमें नीड आ गई कि हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ पूरा का पूरा ग्रुप सेट ही चेंज कर दिया। आगे यहाँ पे देखो आप शिमानो अल्टस का ये रियर फ्रंट डिरेलर है। इसी के साथ साथ पीछे अगर आप देखो तो ये एसेरा लगा दिया मैंने, शिमानो का एसेरा, जो कि काफ़ी अपग्रेडेड है लाइक अगर टोर्नी से कंपेयर करें। उसी के साथ साथ शिफ्टर्स भी मेरे चेंज हो चुके हैं, ये भी शिमानो एसेरा के लगा चुका हूँ मैं। ये अब पहले 24 स्पीड थी, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है 29 स्पीड में, तो अब ये 29 स्पीड हो चुकी है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और बहुत मेजर मॉडिफिकेशन जो इसमें की है मैंने, ये मैंने एक नई चीज़ देखी। क्या यही आपका हब? हाँ जी हाँ जी। हब ये कौन सा, क्या चीज़ है ये वाला हब? यार इसकी कहानी ऐसे है कि ये फैट बाइक है, ठीक है, फैट बाइक है तो इसके जो बेसिक पार्ट्स होते हैं ना वो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने हुए हैं। और मैं ठहरा ट्रैवलर, ठीक है, कहाँ ये 10 किलोमीटर चलने वाली बाइक, कहाँ मैं इसको दूर दूर लेके जाता हूँ। लाइक मैंने मुंबई ट्रैवल किया इससे, पंजाब ट्रैवल किया, लेह लद्दाख ट्रैवल किया, तो मैंने काफ़ी लंबे लंबे ट्रैवल कर दिए, जिसकी वजह से इशू क्या आया कि इसका जो हब था, जो इसका बेसिक हब आया था इसके अंदर, वो था बेसिक हमारा अगर आप बोलो कि बॉल बैरिंग हब था, जिसमें इशू क्या आता था मुझे हर 10 किलोमीटर बाद उसका एक्सल ख़राब हो जाता था और इसकी रोटेशन ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से मुझे वो चेंज करना पड़ता था हर 10 किलोमीटर पे। तो इसका जुगाड़ जो निकला वो है कि शिमानो तो नहीं, ये मैंने क्वांटा का हब लिया, ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है पहली बड़ी बात। ये मैंने कहाँ से लिया था, ये लिया था मैंने अली एक्सप्रेस के थ्रू मिला मुझे। तो ये हब अगर मैं आपको बताऊँ, ये एक्चुअल कॉस्ट इसकी मुझे पड़ी है अराउंड 4, ठीक है। ये मैंने सेकेंड हैंड लिया है, लाइक एक फैट बाइकर है हमारे हिमाचल से, बलजीत सिंह ठाकुर, उन्होंने मंगवाया था तो उनकी साइकिल के लिए, बट उनकी साइकिल में नहीं लगा, मेरी साइकिल के लिए आया था ये, मतलब बाय लक मेरी साइकिल में लगना था इसलिए आया था, तो मैंने उनसे लिया ये अराउंड 4 के आसपास मुझे पड़ा था। इसी के साथ साथ और अगर मैं आपको बताऊँ इसमें शिमानो कह रहा हूँ, चाओ यांग के टायर आते हैं 26x4, लाइक इसका जो साइज है, टायर साइज है, व्हील साइज है, वो है 26x4। क्वेश्चन मेरा ये है कि लोग लेते हैं फैट बाइक, या तो वो लुक के लिए लेते हैं, या तो वो इसकी कंपैटिबिलिटी जो भी ये प्रोवाइड करना चाहती है फुलफिल करने के लिए वो लेते हैं। तो मैं एक पूछना चाहता हूँ कि ऑफ रोडिंग में आपका क्या सा रिव्यू है इसका, स्मूथनेस है गड्ढों में कैसे, बम्प्स में कैसा है आपका? यार देखो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, जैसे महिंद्रा थार है, ये आप कह लो साइकिल्स की थार है, ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे आप इसको लेके जाना चाहो, जैसा ऑफ रोडिंग लेके जाना चाहो ये जाएगी। इन केस अगर आपको इसको ट्रेल्स पे लेके जाना है, लाइक यहाँ पे हमारे थ्रोन्स होते हैं या कांटे वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे आप इसको ट्यूबलेस तो नहीं, लाइक इसके अंदर सीलेंट डाल के लेके जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको ट्यूबलेस भी कर सकते हो। अगर आप ट्यूबलेस कर लोगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे, आपके पंचर्स कम हो जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये थार है, ठीक है, और थार हमेशा गंदी अच्छी लगती है, तो जैसा आप देख सकते हो इसको मैं कितना ही क्लीन कर लूँ, बट जो लुक इसका गंदी होने के बाद आता है वो साफ़ होने के बाद नहीं आता। नहीं ये तो मान सकते हैं, अब सारी एक्सपीडिशन व्हीकल सारी साफ नहीं होती हैं यार, अगर साफ हो गई तो फिर उसमें ट्रैवलिंग करने का मज़ा नहीं है, क्योंकि जितना ट्रैवल होगा तभी वो गंदी होंगी, ठीक है। तो इसमें यार स्मूथनेस की बात अगर मैं करूं तो इसमें आपको पता ही नहीं चलता, इन केस अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हो ना ट्रेल्स पे, ऑफ रोड्स पे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इसको चला रहे हो। इट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अगर आप इसको स्ट्रोक बाइक को देखो ना, जब ये स्ट्रोक आई थी तब मैं कह सकता था कि काफ़ी चीज़ें इसमें थी कि हाँ अपग्रेड करनी थी, बट अपग्रेड करने के बाद अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है कि जो मैं और सोचूं।
कि इसमें अपग्रेड करना है। अगर मैं इसकी मॉडिफिकेशन मैं आपको बताऊं तो देखो, अगर पूरी स्टोक बाइक में क्या क्या इसमें स्टोक है, ये इसकी सीट है, ये स्टोक है, ठीक है, इसका फ्रेम स्टोक है, इसके व्हील स्टोक है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी स्टोक बाइक नहीं, स्टोक है ही नहीं, लाइक एवरीथिंग इज चेंज। नहीं यार ये रह गया, इसके सस्पेंशन भी स्टोक है। तो अगर इसमें चेंज करने की बात बताऊँ, पूरा ग्रुप सेट मैंने चेंज किया हुआ है इसका, ठीक है, पूरे ब्रेक्स ब्रेक सेट इसका चेंज किया हुआ है, हैंडल बार स्टेम इसके चेंज किए हुए हैं, इसका हब चेंज कर रखा है मैंने, उसी के साथ साथ इसका क्रैंक भी चेंज किया हुआ है, इसका सीट पोस्ट भी चेंज किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर इसको बताऊं, इसके अंदर स्टोक का एस लगा लो आप, बाकी पीछे का स्टोक का सारा मटेरियल इसमें चेंज है। तो अच्छा, अब ये चीज़ बताइए मेरे को, मैंने लोगों को देखा है, मेरी भी है साइकिल में बैग, सबके होते हैं सीट, अंडर सीट बैग, वो होते हैं इतने छोटे से। अब बताओ कि इस पूरे में मिस्टीरियस बैग में है क्या, इतना बड़ा बैग, ये जादू का पिटारा है, ठीक है, जैसे इतनी बड़ी बाइक है तो इसी के हिसाब से इसके टूल्स भी बड़े होंगे। तो इसके अंदर आगे ना मेरे को जो हब मिलता है वो पूरा का पूरा वो है, लाइक बेसिक बॉल बैरिंग हब है, पर इसमें क्विक रिलीज नहीं है। तो जैसा क्विक रिलीज नहीं है तो उसको खोलने के लिए हमें टूल्स चाहिए, ठीक है, पूरी साइकिल्स को असेंबल करने के लिए जो टूल्स चाहिए वो इस जादू के पिटारे में है। तो मतलब पूरी साइकिल रिपेयर हो सकती है, हाँ, इसमें मैंने पूरी साइकिल खोल दी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। इसकी फाइनल चीज पे कितने की है, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इतनी मॉडिफिकेशन करके इसकी प्राइस तो बहुत ही महंगी होगी होगी। यार देखो, इसकी प्राइस मैंने कभी कैलकुलेट करी नहीं, लाइक अगर आप किसी चीज़ से खुद से ज़्यादा प्यार करते हो, आप ये नहीं देखते आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, बस आप लगाते रहते हो, आप कभी कैलकुलेट करते नहीं। बट मैं अगर बताऊँ, इस बाइक की आज की डेट में जो एक्चुअल कॉस्ट है अराउंड 35 है, और जब मैंने ली थी तब ये अराउंड 30 की थी, ठीक है, तो मैंने आई थिंक ये 18 में ली थी, 2018 में, तब ये मेरे को 30 के अप्रोक्स पड़ी थी। और फिर बात करते हैं इसकी मॉडिफिकेशंस के बारे में, तो एक रफ आइडिया मैं आपको दे दूं, इसके मैंने ब्रेक चेंज किए हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक लगाए हैं, पहले इसमें मैकेनिकल थे, तो इनकी कॉस्ट अप्रोक्स मुझे 6000 समथिंग पड़ी है विद रोटर, लाइक ये मेरे को 4.2 या 3 समथिंग अप्रोक्स ऐसे पड़े थे, और रोटर की बात करूँ तो वो मुझे अराउंड 1500 पड़े थे दोनों रोटर, ठीक है। ये उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप सेट की, शिमानो असेरा मैंने इसमें अपग्रेड किया है, टोरनी से सीधा असेरा पे आ गया हूँ मैं। तो ये पूरा मैंने सेकेंड हैंड लिया था, एक साइकिलिस्ट है हमारे राघव अब्बर द्वारका से है, तो उनसे मैंने पूरा ग्रुप सेट लिया था, जिसमें मेरे को ये मिल गया था, लाइक पूरा ग्रुप सेट, शिफ्टर्स मिल गए थे, डिरेलर्स मिल गए थे। तो इनकी एक्चुअल कॉस्ट मुझे अराउंड 3 के आसपास पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके हैंडल के बारे में, ये हैंडल मैंने डी कैथलोन से लिया था, ये मुझे अराउंड 1500 का पड़ा था। स्टेम की बात करूँ, इसकी भी कॉस्ट अराउंड 1500 की पड़ी थी, ठीक है। देन और बात करूँ तो ये सीट पोस्ट है, इस सीट पोस्ट की कॉस्ट ही अराउंड 2000 है, ये अलग से लिया था मैंने, मेरे को थोड़ी सी अपग्रेडेशन करनी थी इसलिए मेरे को ये लेना पड़ा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया कि इसका हब चेंज है, तो इसकी कॉस्ट भी अराउंड 4 की मेरे को पड़ी थी, ठीक है। उसी के साथ साथ ये मैंने इसके अंदर एक बोटल माउंट लगाया हुआ है, ये अराउंड मुझे 500 पड़ा था, अराउंड 300 पड़ा था। और तो इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं जो मैंने चेंज किया हो। और हाँ यार देखो, मैंने इसको राखी बांध रखी है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये मेरी प्रोटेक्शन करती है हर जगह, मतलब मेरा पर्सनल टच पूरा यही है, तो यही मेरी प्रोटेक्शन है, मैं इसकी प्रोटेक्शन हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ ये पूरा मैंने इसके बाइक के बारे में जो मुझे पता था वो मैंने बताया, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ कि इस बाइक को बनाया तो गया था कि लोकल यूज़ के लिए, बट इसके अंदर माउंट्स दिए हुए थे, ठीक है, ये यहाँ पे इसके माउंट हैं जिसके अंदर हम रैक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके साथ एक इशू क्या है कि जो इसका ओरिजिनल रैक आता है वो मुझे आज तक कभी मिला ही नहीं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा अरेंज किया था
डीकैथलॉन से ही माउंट लेके उसको लगाया था, जिसने क्या किया है मेरी बाइक के साथ, ये देखो ये माउंट ही खराब हो गया इसका, ये पूरा अंदर चला गया, ये टूट गया। अच्छा, क्योंकि ये फैट बाइक है तो इसका आपको मिला नहीं स्टॉक? इसका नहीं मिला, इसका जो आता है वो मुझे मिला नहीं, तो इसलिए जुगाड़ कर रहा था, जुगाड़ की वजह से ये टूट गया। तो अब बेसिकली ये बाइक प्रॉपर ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इन जब भी मेरे को विद इन सिटी चलानी है, मैं सोचता हूँ या निकालता ही अपनी हाइब्रिड बाइक को, जिसको मैंने रोड में खड़ी। मैंने आपको हमेशा इसी पे देखा है। देखो, आपने मुझे इस पे इसलिए देखा क्योंकि अभी रोड बाइक की हालत ख़राब है, ठीक है, वो अभी रेस्ट कर रही है, तो जब वो ठीक हो जाएगी तब आप कभी विद इन सिटी आप इसको नहीं देखने वाले हो। ये काफ़ी ओकेजनली निकलती है, या तो कोई बड़ा इवेंट हो, या कोई स्पेशल राइड हो, ठीक है, या कोई ट्रैवल हो। अगर तो कोई ट्रैवल वगैरह है तब ये निकलेगी, वरना इसका कोई मतलब नहीं है निकलने का, ये आराम करती है, ये बस ट्रैवल्स के लिए यूज़ होती है, या कोई स्पेशल राइडर के साथ। हाँ, कह सकते हो। तो यार इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ, इस बाइक के जो ऑफिशियल सर्विस पार्टनर हैं वो हैं हमारे मैनकॉम डॉक्टर ऑफ साइकिल। तो ये हमारे साथ कब से जुड़े हुए हैं, जब से ये बाइक हमारे साथ आई है। तो यार इस बाइक के अंदर जो भी कभी इशू आया है या कुछ भी, तो मेरी साइकिल में कोई भी इशू आता है तो उसके लिए मैं कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे पता है जैसे अगर हमें कोई इशू आता है तो वो डॉक्टर के पास जाने के बाद ही ठीक होता है। तो जैसे इसमें कोई इशू आता है तो वो नैनकॉम के पास जाने के बाद ही ठीक होने वाला है, क्योंकि इसको आदत हो चुकी है यार, एक कहते हैं ना फैमिली डॉक्टर, तो इस बाइक के जो फैमिली डॉक्टर हैं वो है नैनकॉम। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार बिल्कुल ट्रायल ले सकते हो, उनको टाइम दो यार। बेसिकली थोड़ा सा मैंने उनके बारे में सुना है, रिव्यू लिया है, और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, तो उनका ये जितना मैंने देखा है, मैं उनको अराउंड 3 से 4 सालों से जानता हूँ, तो उनको अपनी सर्विस देने के लिए टाइम चाहिए, और हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम जल्दी जल्दी में बाइक ले लेते हैं और कुछ ना कुछ रह जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि एक बार आप ट्राई करो, उनको टाइम दो, अच्छे से वो आपकी बाइक को देखेंगे, चेक करेंगे और अपना 100% देंगे, ताकि आप भी खुश रहो, आपकी साइकिल भी खुश रहे। इसी के साथ साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। पूरा मैंने आपको बता दिया कि इसमें मैंने A to Z जो जो चेंज किए हुए हैं और अराउंड इसकी कॉस्ट क्या है, और जो भी मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की हैं उन सब के मैं लिंक लगाने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको किसी को भी इसमें से कुछ भी चाहिए तो आप उन लिंक्स के थ्रू जा सकते हो। और हाँ, अगर आपको इस बाइक के बारे में कुछ और भी जानना है, लाइक एनीथिंग यू वॉन्ट टू नो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो यार एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अब डेली वीडियोस आ रही है, लाइक वीडियोस तो नहीं आ रही, वीक में एक वीडियो आती है फ्राइडे को, आप डेली वीडियो आती है फ्राइडे को, तो फ्राइडे के दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को ज़रूर चेकआउट किया करो। और हाँ, अभी कुछ टाइम बाद लाइक जुलाई में आपकी लेह लद्दाख की सीरीज़ फिर से आने वाली है, तो इस बार हम फिर से लेह लद्दाख में होंगे, एक नए एडवेंचर के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ, तो और नए राइडरों के साथ, बिल्कुल टी प्लास्टिक के साथ वहीं मिलने वाले हैं। तो बी कनेक्टेड, बी कीप सपोर्टिंग मी, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये मैं कहना चाहूँगा यार, कर दो, क्योंकि मैंने जितना देखा है आप वीडियोस देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते हुए जाओ, ठीक है, और सपोर्ट करते हुए जाओ, जितना हो सकता है शेयर करो, ताकि फैट बाइक की कम्युनिटी थोड़ी सी बिल्ड हो। साथ मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई कंटेंट के साथ, कोई नई बाइक के साथ, कोई नई ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ। इसके साथ साथ करते हैं ख़त्म इस वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते रहो, साइकिल चलाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मस्त रहो यार, बाय बाय।